फ्रेंड्स, कॉर्न और शिमला की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई है तो बना के इसे ट्राई करिए। और अगर आपने किसी और तरीके से बनाई है फ्रेंड्स, मेरे तरीके से बना के ट्राई करिए। ये बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। नमस्कार, मैं प्रिया प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सबके लिए। चलिए आज हम बनाते हैं एक और बहुत ही सुपर रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और कॉर्न की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। फ्रेंड्स, हमने 3 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लिए हैं, उनको धोकर हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी काट लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक कटोरी हमने ये फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रोज़न कॉर्न हैं। हमने इसको आधा घंटा पहले निकाल के पानी में भिगो दिए थे, जिससे इसकी बर्फ़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और उसके बाद इसको पानी से वॉश कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम करेंगे गैस ऑन। और फ्रेंड्स, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनको इस तरह से देखिए काट लिया है। ठीक है, स्लाइस में। और ये मैंने 8 काजू लिए हैं। फ्रेंड्स, ऑयल को होने देंगे गर्म और उसके बाद हमारे ये जो काजू और प्याज है ना, इनको हम करेंगे फ्राई। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हम चला दे रहे हैं ऑयल में स्पैटुला से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, बस हमको इसी तरह से इसको फ्राई करना है। ठीक है, हल्का सा हमको इसको पिंकिश सा ही रहने देना है। ठीक है, प्याज को हम छन्नी से निकाल ले रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में रह जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको छन्नी में छान लेंगे। ये देखिए, प्याज और काजू को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल पिंकिश सा है, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने काजू और प्याज का इस तरह से पेस्ट बना लिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। गैस को करेंगे ऑन और देखिए, कढ़ाई में हमने 1 कलछुल रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हटा दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता डाल रहे हैं, 1 इंच दालचीनी डाल रहे हैं, 2 लौंग हैं, 2 इलायची हैं और 5 काली मिर्च के दाने हैं। ठीक है, ये देखिए, गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर रखी है और इसको 2 मिनट के लिए अभी हम तड़कने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खड़ा मसाला हमारा तड़क चुका है। अब ये जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था ना, वो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं ऑयल में। बहुत ही सुपर बनने वाली है हमारी शिमला मिर्च और कॉर्न की ये रेसिपी। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का हम पेस्ट डाल दे रहे हैं। ठीक है, और उसको भी हम अच्छे से कर दे रहे हैं मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए हम लेट ढक दे रहे हैं और इसको एक बार हम चला देंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। फ्रेंड्स, लेड हम हटा रहे हैं। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से पक रहा है। ये देखिए, प्याज और काजू का पेस्ट। फ्रेंड्स, अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको भी मिक्सी में पीस लिया था। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए, आजकल टमाटर भी खूब लाल लाल मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पर हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक, सॉल्ट। ठीक है, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स।
गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको भी इसमें ऐड कर दिया है हमने और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब हम फिर से एक बार इसको लिड से ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और बीच में एक बार हम इसको चला भी लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स तो लिड हटा रहे हैं। वाओ, देख रहे हैं हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। ठीक है, इसको एक बार हम इस तरह से चला दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून फ्रेंड्स हम इसमें पिसी धनिया ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं पिसा ज़ीरा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से हम कर दे रहे हैं मिक्स। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इस पर हम एक बार लिड ढक देंगे। फ्रेंड्स तो लिड हटा रहे हैं। वाओ, देख रहे हैं कितना सुपर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। फ्रेंड्स इस टाइम पर हम इसमें शिमला मिर्च को करेंगे ऐड और इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा। फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कस्तूरी मेथी और इसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब लिड को 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, बीच में एक बार चला देंगे जिससे हमारे शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। तो देखिए हम इसका ढक्कन हटा रहे हैं और फ्रेंड्स इसमें एक कटोरी, देखिए ये छोटी कटोरी है ना, इसमें एक कटोरी पानी डाला है, वो करीबन 100 ग्राम है। ठीक है, और देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस पर हम दोबारा फिर से लिड रख देंगे कि जिससे हमारे शिमला फटाफट गल जाए। फ्रेंड्स तो देखिए हम लिड हटा रहे हैं। वाओ, देख रहे हैं कितना सुपर कलर हमारी ग्रेवी का आया है ना, और हमारी शिमला भी अच्छे से गल चुकी है। फ्रेंड्स अब इस टाइम पर हम इसमें ये जो हमारे कॉर्न थे ना, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं और फ्रेंड्स इसको भी हम अच्छे से कर दे रहे हैं मिक्स। ये देखिए, बहुत ही सुपर बनने वाली है आज हमारी शिमला कॉर्न की ये रेसिपी। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड्स एक कटोरी हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं और इसको भी अच्छे से हम कर दे रहे हैं मिक्स। फ्रेंड्स अब 2 मिनट के लिए हम फिर से लिड रखेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसको बंद करेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। फ्रेंड्स तो लिड हटा रहे हैं। बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी रेडी हुई है। फ्रेंड्स इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आप सबके लिए इसको सर्व। फ्रेंड्स मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि ऐसे ही बहुत सुपर बनी है। अगर आप चाहिएगा तो इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये बहुत सुपर और अमेजिंग बनी। तो चलिए करते हैं आप सबके लिए इसको सर्व। फ्रेंड्स बहुत ही सुपर और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी शिमला और कॉर्न की ये रेसिपी। इसको बनाइएगा और ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में और बहुत ही औसम है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निशिंग। ये देखिए, इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये शिमला और कॉर्न की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।